बार की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने देखा था कि नगर नगर के जितने भी चुनाव हुए वहां पर बीजेपी को जीत मिली आम आदमी पार्टी को जीत मिली लेकिन ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस थोड़ी एज में रही सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ लेकिन वहां कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे जनपद के भी रहे जिला पंचायत सदस्य भी क्या लग रहा है इस बार मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता इस बार चेंज चाहती है और वो नए लोगों को प्रेफरेंस दे रही है क्योंकि इससे पहले मैं भी राजनीति में नहीं थी मैं पहली बार आई जनता के बीच में चुनाव लड़ा और मेरे सामने जो थे वो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े धुंधर नेता लोग थे जो मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे फिर भी जनता ने मुझे चुना बल्कि आपको यह भी बताना चाहूँगी कि पूरे चुनाव में उन्होंने सिर्फ मेरा पोस्टर देखा है और मेरी क्वालिफिकेशन मेरी पोस्टर मेरे बारे में जानकारी चाहिए बाकी मैं चुनाव में कहीं प्रचार करने नहीं गई जीव? और नहीं एक्चुअली में बाकी लोगों ने संभाला हुआ था मोर्चा और मेरी जो खूबियां हैं वो उन तक पहुंचाई हुई थी लास्ट मोमेंट पे चूँकि एक एरिया भी बहुत बड़ा था हमारा वन एटी विलेजेस थे और ट्वेंटी नाइन पंचायत थी और जो हमारा एरिया है वार्ड है कुलकवार वो जून का महीना था वहाँ गाड़ियाँ जाने में भी बहुत मुश्किल थी इसी वक्त का एक साल पहले की जी जी तो जनता ने जो भी है मेरे बारे में जानने के बाद मुझे चुना और मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैंने उनसे कमिटमेंट किया है वो अलग बात है कि शासन प्रशासन और गवर्नमेंट किसकी है वो उसका उद्घाटन करने जरूर पहुंच जाते हैं मगर सच्चाई जो है वहां मैंने बिजली की समस्या की सबसे बड़ी चीज ली थी बिजली और पानी और उसके लिए हमने खुद प्रोजेक्ट बना के बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों और मंत्री से मिली थी मैं खुद जाकर भोपाल में और उसको परसू कराया था मगर जानते हैं आप कि जिसकी सत्ता होती है उद्घाटन वही करता है तो जहां तक उस उपलब्धि को लेने की बात होती है तो मुझे तो इस बात की खुशी होती है कि आज तक हमारे वार्ड में कुलकवार में कोई भी जनपद 20 सालों से चुनाव जीतने के बाद चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो कोई भी वहां जाता नहीं था मगर आज इस बात की मुझे खुशी है कि बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि उस वार्ड पे ध्यान दे रहे हैं और जा रहे हैं आरती मैम स्वच्छ स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रखना होगा खुद को भी और शहर को भी क्या प्रयास होना चाहिए क्योंकि कई यहाँ पर अभी आए थे चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें हम मेडिकल के के सेक्टर की बात करें कई आए पर पॉल्यूशन को लेकर सभी ने थोड़ी थोड़ी नाराजगी जताई और कहा कि पॉल्यूशन तो काफी है सिंगरौली में बिल्कुल सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम न्यूज ट्वेंटी को जिन्होंने आज आमंत्रित किया सिंगरौली की सच में ये एक विडम्बना है क्योंकि बहुत हरा भरा वैसे तो सिंगरौली है पर यहाँ पर जो कोल माइंस हैं जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे जो एक मूल जड़ को ख़त्म करने में पेड़ और पर्यावरण अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा शहर स्वस्थ है और हमारा देश स्वस्थ है पर जो आज पर्यावरण के लिए होना चाहिए जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से कार नहीं हो रहा क्योंकि आए दिन अगर सड़कें बनती हैं मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे अगर सड़कें बन रही हैं तो उनमें पेड़ बुरी तरीके से काट दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर हम सड़कें बनाएं और अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले पेड़ लगाए जाएं जिससे पेड़ तो यहाँ बहुत हैं परंतु किस हिसाब से और किस तरीके से होने चाहिए वो नहीं है हमारा पर्यावरण स्वस्थ रखने के लिए क्योंकि मैं आपको यह बता दूं अगर स्वस्थ मन है स्वस्थ शरीर है तभी आप कुछ कर सकते हैं मैं खुद इसकी एक जीते जागती उदाहरण हूं क्योंकि आज सिंगरौली में रहने के बावजूद भी मैं कैंसर से पीड़ित और आज आप सबके बीच में हूं हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पे जितनी हैं आपने जैसे बताया स्वास्थ्य से रिलेट आए पर्यावरण से आए किसी ने पर्यावरण के लिए कुछ नहीं बोला पर्यावरण को हमें खुद अच्छा बनाना होगा यहां मैं देखती हूं चाहे वो नेता हो चाहे वो घृणी हो और प्लास्टिक जितना यूज हो रहा है उसको लेते हैं उसमें कचरा भरते हैं और कहीं भी उठा के फेंक देते हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इतनी सारी माता बहनें हैं सबसे यही अपील करूंगी कि हम पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ कैसे कर सकते हैं वो हमें अपने घर से शुरुआत करनी है कचरे के लिए नगर निगम ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई है आ, हम नंबर वन बनने की कोशिश तो करते हैं पर इसमें हम लोगों को अभी आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा हाशिए पे हम चाहे तीसरे नंबर पे आ जाएं या पांचवे तो कर्तव्य है कि हम गली गली में जाएं। एक उदाहरण के तौर पे दूंगी कि यहां पे सिंगरौली में ब्रांड एम्बेसडर जरूर हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नगर निगम का पर चेहरे को साफ करने से आपके पैरों की गंदगी साफ नहीं होती यहाँ हर बाड़ों पे जाके ध्यान देना पड़ेगा शासन और प्रशासन दोनों को अगर उन्होंने ध्यान दिया तो हम जरूर से किसी रोज नंबर वन बन सकते हैं और स्वास्थ्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा इतनी सारी बीमारियां जो हो रही हैं वो कारण यही है कि अगर यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसके लिए कितने सारे रोज की रोज यहाँ से वाहन जाते हैं तो पॉल्यूशन तो निश्चित फैलाते ही होंगे ना अगर पॉल्यूशन को हमें सही करना है तो यहाँ से हम लोगों को जो ट्रक हाईवा उसको कवर करना होगा और हरियाली युक्त हमारे सिंगरौली को बनाना होगा दोनों मैडम से हमारा अनुरोध है कि सिंगरौली जो शहरी इलाका है वो तो आप स्वच्छ और साफ सुथरा रख रहे हैं अर्चना मैडम से खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अपन जाते हैं तो काफ़ी सारी गंदगियाँ हैं क्योंकि आप जिला पंचायत तो उपाध्यक्ष हैं तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह से साफ सफाई हो पाए हम चाहेंगे कि दोनों मैडम अपने राय व्यक्त करें किस तरह से उसको लेंगी आप और कैसे साफ सफाई कराई जा सकती है देखिए उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो पंचायतें हैं हमारी उनमें हमको जिस तरह से शहरी इलाकों में गाड़ियाँ चल रही हैं तो जगह जगह हमको डस्टबिन रखना पड़ेंगे और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो और उसके लिए अवेयरनेस के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है तो हमको सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जब शिक्षित होंगे तो अवेयरनेस अपने आप आएगी और उसके लिए हम पंचायतों को मिल साथ में काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है पंचायतों को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है सारे अधिकार गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं तो उन अधिकारों को वापस लौटाना पड़ेगा और जब वो अधिकार हमारे पास होंगे तो हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे सर मैं बोलना चाहूंगी कि इसमें पंचायतें और सारी चीजें मिलकर काम करें परंतु इसमें बहुत बड़ा आ, अपना रोल निभाते सामाजिक संगठन अगर सामाजिक संगठनों को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो वो गली गली इस चीज के लिए अलग जगाते हैं नुक्कड़ नाटक भी करते हैं लोगों को सफाई के लिए अवेयर करते हैं और हमारे यहाँ जैसे कि सफाई के लिए हर चीज हमारे लिए वेस्ट हो सकती है परंतु किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है हम जगह जगह पे आरआर सेंटर बनते हैं रिसाइकल री और रिड्यूस दोनों तरीके की चीजें होती हैं हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो मेरे ख्याल से ग्रामीण लोग जितने ज्यादा शिक्षित हैं उतने हम शहरी नहीं हैं ग्रामीणों में आपने पहले भी देखा होगा कि माताएं और बहनें किस हिसाब से अपनी एक जो आज लिपि पुती हुई होती थी जिस हिसाब से खूबसूरत रखती थी हम शहरी लोगों को उनसे शिक्षा लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र अगर शिक्षा नो no डाउट जरूरी है परंतु हमको स्वयं को शिक्षित होना जरूरी है हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर गाड़ी में सफर करते हैं तो उठा के तुरंत कोई भी चीज खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं शिक्षा लोगों को देने से पहले अपने लिए शिक्षा की जरूरत है और लोगों को आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर और ग्रामीण जगह पे जाना जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना सिंह और इसके साथ साथ आरती मैम का दोनों ने अपना पक्ष बताया और यह पैनल so एक much. अलग पैनल था यह पैनल थोड़ा सा अलग पैनल था इसमें राजनीति के साथ साथ की की बात बात हो रही बात हो रही रही थी थी समाज सेवा भी मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा मोमेंटो देने के लिए न्यूज ट्वेंटी फोर प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर और इसके साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर न्यूज ट्वेंटी फोर प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड अनुज तिवारी सर को दोनों आए मेमटे दें और महिलाएं जब आती हैं सामने तो ये कह सकते हैं कि आधी आबादी की बात होती है आदि आबादी की भी बात अब हम करेंगे इसके बाद अगले जो पैनल पे, रहेगा हमारा क्योंकि इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा जो हो रही है वो लाडली बहना योजना की हो रही है क्योंकि एक करोड़ पच्चीस लाख महिलाओं को सीधे लाडली बहना योजना का फायदा